हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आ गया हूँ एक और ब्लॉग के साथ अजमेर स्टेशन। तो ये लग चुकी है मेरी ट्रेन, इसका नाम है डी जन शताब्दी, जो कि अजमेर से दिल्ली के लिए चलती है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ। इसकी वीडियो शायद मैंने लास्ट ही वीडियो इसकी डाली थी जब मैं गुड़गांव से अजमेर आया था। तो आज मैं जा रहा हूँ अजमेर से दिल्ली। न्यू ईयर सेलिब्रेट तो नहीं करने जा रहा, दो दिन के लिए अपने घर जा रहा हूँ। मन था घर पे जाने का, ईवा से मिलने का। ईवा मेरी पेट है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते और वीडियो भी बनाते हैं। तो सामने मेरा कोच है D14, विंडो साइड सीट है, सीट नंबर है 72। और इसका टू सीटिंग का फेयर लगा था मेरा 245 रुपीज़ ओनली। और AC चेयर कार का इसका 760 है, प्लस GST एंड टैक्सेस। तो ये फेयर है इस ट्रेन का। और दो प्रकार की इसमें सीट्स हैं, एक टू सीटिंग, एक AC चेयर का। तो देखते हैं कैसा रहेगा इसके साथ सफ़र। पिछली बार का सफ़र बहुत अच्छा था, तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते हैं कैसा रहता सफ़र। भाई साहब, सारी विंडोज बंद है, गेट भी बंदी था, अभी खुला है। चलते हैं सीट पे, सीट नंबर 72, देखते हैं। रेडी फॉर डिपार्चर। तो टाइम हो चुका है वैसे तो पूरा, अब देखते हैं कितनी देर में ट्रेन चलती है और आपको डिपार्चर दिखाते हैं, फिर चलेंगे अपनी सीट पे। सीट बढ़िया है, विंडो साइड सीट है, लेग रूम बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी खाने वाने का देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता, देखते हैं कितनी देर में चलती। हो गया टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम, और डिपार्चर में 1 मिनट लेट हो चुका है ऑलरेडी। 5:41 हो चुकी है, 5:40 का टाइम था। हॉर्न की आवाज़ तो आ चुकी है दो बार, बट अभी तक ट्रेन चली नहीं है। ये देखिए, ये अजमेर का प्लेटफॉर्म नंबर 6, जहाँ से मैं आप लोगों को ये व्यू दिखा रहा हूँ। और इस ट्रेन का नंबर है 12065 डी जन शताब्दी। 5 मिनट के डीले के साथ हमारी गाड़ी डिपार्ट होती हुई। ये देखिए स्टेशन का व्यू बढ़िया एकदम, उधर डस्टबिन गिरा हुआ है। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं उठा देता बट। और डिपार्चर भी हुआ है काफी तेजी में। ये देखिए 5:40 का टाइम था, 5:45 हो गए। से निकलती हुई हमारी ट्रेन, डिपार्चर के मजे लीजिए आप लोग। अंदर कोच दिखाता हूँ, कोच ऑलमोस्ट खाली है और सारी विंडोज वगैरह बंद है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ठंड है भाई, बड़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं साथ में। ये अजमेर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का वेटिंग रूम है सामने, और ये बैक गेट की एंट्री, मतलब 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से। बढ़िया डिपार्चर 5 मिनट लेट हुई है, लेकिन जो उसने स्टार्टअप लिया है वो एकदम फास्ट फास्ट लिया है। इसने लगता है, इसके ड्राइवर ने मेरी बात सुन ली, मैंने कहा फास्ट फास्ट लिया है तो उसने गाड़ी स्लो कर दी। EI टावर, सेंट्रल बिल्डिंग, और उसी के साथ अजमेर जंक्शन का प्लेटफॉर्म होता है खत्म। बाय बाय अजमेर, मिलते हैं थोड़े दिनों बाद। पहला स्टॉपेज आने वाला है, टोटल 11 स्टेशन है इस ट्रेन के, 9 स्टेशन पे ये रुकेगी। 2 स्टेशन जहाँ से हम डिपार्ट करते हैं और जहाँ अराइवल करते हैं वो है बाहर, भयंकर अंधेरा हो रहा है, मुँह से मास्क निकलती हवा निकल रहा है। पहली बार यहाँ पे, मतलब दिल्ली में तो ये नज़ारे 20 दिसंबर के बाद ही दिखने चालू हो जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं दिख रहे थे। बट अब किशनगढ़ आने वाला है, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कटोरी मस्त, बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा, बट
हाँ यहाँ से दिखेगा थोड़ा बहुत, ये आगे किशनगढ़ का स्टेशन, ये भाई साहब भयंकर ठंड है। सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:11, ऑलमोस्ट नहीं 6:11 ही बज चुके हैं। देखिए अंधेरा है अभी तक और मस्त ठंड है इस टाइम पे। तो यहाँ पे हॉल्ट है 3 मिनट का, उसके बाद ट्रेन चलेगी। तो मैं चलता हूँ अंदर और अंदर जाके बैठता हूँ। ट्रेन अभी 7 मिनट की देरी से चल रही है, यहाँ पे पहुँचने का टाइम था 6:05। समय हो चुका है 6:50। अब जाके कहीं थोड़ी बहुत सुबह दिख रही है और ये देखिए रास्ते में दिख रही है फॉग भयंकर वाली। ये देखिए पीछे का व्यू, मस्त हो रहा है वेदर। अब आने वाला है फुलेरा जंक्शन और हमारी ट्रेन 7 मिनट के डीले से चल रही है। देखते हैं स्टेशन पे कितनी देर में पहुंचती है। और मस्त भयंकर वाली ठंड हो रही है भयंकर। इस टाइम पे ट्रेवल करें तो अपने स्वेटर जैकेट टोपी वगैरह लेके करें क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ज़रूरी है कि स्वेटर जैकेट मफलर वगैरह लेके आप लोग ट्रैवल करें या फिर एसी कोचेज में ट्रैवल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए। और ये फुलेरा स्टेशन का फाटक, ट्रेन पूरी मुड़ गई है। अच्छा एक और बात बताना चाहूँगा, ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिला था इस रूट पे। सात बज चुके हैं और अभी तक धूप का नामो निशान नहीं है। की तरफ एक और ट्रेन खड़ी हुई है, उधर से भी कोई रूट आता होगा, मेरे को नॉलेज नहीं है उस बात की तो मैं वो शेयर नहीं करूँगा। जिस चीज़ का पता नहीं वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगा। लेकिन हमारी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म में घुसने वाली है फुलेरा के। और ये ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट है, ऑलमोस्ट क्या 10 मिनट से भी ज़्यादा ही लेट है। बहुत भयंकर ठंड है भाई साहब, बहुत भयंकर ठंड है। भाई आ रहे भागते 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 भागते। और ये एंटर किया हमारी ट्रेन ने फुलेरा जंक्शन पे 12 मिनट की देरी के साथ। तो नीचे तो नहीं उतरेंगे, ट्रेन में ही रहेंगे, आराम से बैठेंगे। देखिए अभी तक चांद दिख रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, सूरज नहीं है ये चांद है। थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग वो चढ़ते हैं उतरते हैं। ठंड में लोग बेचारे वेट कर रहे हैं ट्रेन का, कंबल उम्बल ओढ़ के मस्त एकदम। बड़ा स्टेशन है ये भी, इसके बाद आएगा रिंगस। और ये बहुत बढ़िया मॉर्निंग हो चुकी है और रिंगस पे गाड़ी रुकी थी पर मैं रिंगस पे उतरा नहीं। और अभी नीम का थाना पे रुकी हुई है गाड़ी, 2 मिनट का हॉल्ट है, फटाक से चल जाएगी गाड़ी। और मुंह से धुआं निकल रहा भयंकर, मतलब मस्त ठंड है। और रिंगस से गाड़ी पूरी फुल हो चुकी है, पैक हो चुकी है एकदम। और अभी नीम का थाना पे 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं कब तक पहुंचेंगे घर। 7 मिनट लेट है ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, अंदर बैठे हुए कोजी कोजी हो गए, बहुत ठंड है भयंकर। ये रही पीछे ट्रेन, स्टेशन में भी भीड़ है, नीम का थाना स्टेशन है। चलिए आगे चलते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह भी आ रहा है, चाय आ रही है कंटिन्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों की, बढ़िया सर्विस है।
और एक और स्टेशन आ गया है नारनौल, ये भी 2 मिनट का हॉल्ट है। और भाई साहब यहाँ पे जो कोहरे का लेवल है देखिए पीछे, भयंकर भाई साहब भयंकर, मतलब मस्त हो रखा, मस्त वेदर, ठंड का एहसास अब हुआ क्योंकि पुष्कर में तो इतना पता नहीं चलता, बट यहाँ पे तो अलग ही व्यू है, अलग मतलब अल्टीमेट लग रहा है, बहुत सुंदर। और आई थिंक बारिश भी हो रही है यहाँ पे, हल्की हल्की बूंदे गिर रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है एकदम मस्त। अच्छा ट्रेन में सारी चीज़ें हैं एकदम बढ़िया, और मेरे साथ में गुच्छी बैठी हुई है मेरा सही मस्त टाइम पास कर रही है वो, ये लगी हुई पीछे ट्रेन, ये देखिए पीछे भीड़ भी है और सब कुछ है बढ़िया एकदम। और नरनौल से डिपार्चर लेती हुई मेरी ट्रेन, और भाई साहब फॉग देखिए एक नंबर, और अभी हम पहुंच गए रेवाड़ी जंक्शन, अभी भी ट्रेन लेट है, 10-15 मिनट की देरी से चल रही है हमारी ट्रेन, और ये खड़ी पीछे ट्रेन, और यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत सही वेदर हो रखा है, मतलब ठंड का मज़ा आ रहा है इस टाइम पे, जो मज़े वहाँ नहीं मिल रहे थे वो मज़े यहाँ मिल रहे हैं ठंड के, बढ़िया है। अब थोड़ी देर की और बात है, फिर चलेंगे घर पहुँचेंगे अपने, वहाँ मौज करेंगे। ट्रेन के अंदर आ गए हम, और मेरी को पैसेंजर है प्रतिष्ठा राठौर, अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, इसको कैसा लग रहा है ट्रेन में, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। कैसी है जर्नी? अच्छी। बाहर दिख रहा है कुछ? नहीं, कोहरा है, बहुत ज्यादा फॉग है, तो हमें बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा, बट हम दोनों बात करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। बोल दो इन्हें कि जिस जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक करे और सब्सक्राइब करे। जिम्नास्टिक दिखा रहा था भैया, मैं सुंदर है ना तू। अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली कैंट, और ट्रेन है लेट 10-15 मिनट से भी ज्यादा। अभी इसके बाद वाला स्टॉपेज है सराय रोला का, वहाँ पहुंच जाएगी टाइम से, मैं बैग लेके उतरा हूँ, अभी वापस चढ़ जाऊंगा, फिर सराय रोला पहुंच के फिर उतरते हैं और ब्लॉग का भी एंड करेंगे। बढ़िया रहा सफर, थोड़ी सी लेट है ट्रेन, बहुत ठंड है कोहरा है, तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बाकी चलते हैं ट्रेन के अंदर, 2 मिनट का ऑल्ट है बस, चल पड़ी ट्रेन। और ये निकली मस्त दिल्ली कैंट से हमारी ट्रेन में। अभी तक धूप नहीं निकली है भाई साहब दिल्ली में, दिल्ली के तो ठंड के मजे ही अलग है। ये स्लम एरिया दिल्ली कैंट के बाद पड़ता है ये, तो मैंने गुड़गांव का स्टेशन स्किप किया और रिंगस स्टेशन स्किप किया कि दोनों बहुत ज़्यादा क्राउडेड थे, तो उतरने का कोई सेंस था नहीं, और अब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूँ।
के साथ दिल्ली सराय रुल्ला। अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दिया इसने 20 मिनट की देरी से, 21 मिनट की देरी से। तो टाइमली है ट्रेन, तो कोई दिक्कत नहीं है, 20-21 मिनट चलता है इतने बड़े ट्रैवल में, तो बढ़िया रहा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग पे। बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, हम जा रहे हैं ऋषिकेश, तो हम शायद आज ही चले जाएंगे, तब आज नहीं मतलब कल मेरे दो दोस्त हैं वो लोग अजमेर से निकलेंगे, मेरे को कुछ काम था मैं इसलिए आ गया था, और फिर परसों मॉर्निंग ऋषिकेश के निकलेंगे। फिर मिलते हैं एक और व्लॉग में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।